भूल कर भी इन 8 चीजों को जमीन पर ना रखें, नहीं तो सहना पड़ सकता है भारी नुकसान। जो लोग सनातन धर्म की अच्छी समझ रखते हैं, वे लोग उससे जुड़ी बातों को भी समझते हैं, और लोग सनातन धर्म से संबंधित लगभग सभी नियमों का अच्छे से पालन भी करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक भगवान को खुश करने के लिए खास रीति रिवाज के साथ साथ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। उन्हीं में से एक नियम है, पवित्र वस्तुओं को सीधे धरती पर नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। दिया व दीपक, ऐसा माना जाता है कि दीपक को कभी भी धरती का स्पर्श नहीं करवाना चाहिए, और अगर कहीं ऐसे रखते हैं तो चावल यानी कि अक्षत या किसी लकड़ी के पटरे पर रखना चाहिए। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक सुपारी को हमेशा सोने के सिक्के के ऊपर रखकर ही पूजा करना चाहिए। शालीग्राम, हिंदू पुराणों के मुताबिक शालीग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है। शालीग्राम की पूजा हमेशा पीले वस्त्र के ऊपर रखकर ही की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी पवित्र रत्न का प्रयोग पूजा के दौरान कर रहे हैं तो उसे पहले साफ पानी से धोकर फिर पान के पत्ते पर रख देना चाहिए। भगवान की मूर्ति या तस्वीर, भगवान की मूर्ति या फोटो कभी भी जमीन पर नहीं रखनी चाहिए, और अगर कभी आवश्यकता हो तो उन्हें लकड़ी के पटरे या चावल पर स्थापित करें। इसके अलावा कभी भी जनेऊ को गीला ना होने दें, क्योंकि गीला जनेऊ कभी भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। इसे किसी साफ बर्तन या किसी साफ कपड़े में रखना चाहिए। भगवान के वस्त्र जमीन पर रखे या गिरे कपड़े कभी भगवान को नहीं पहनाना चाहिए, इन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। इसके अलावा किसी भी धार्मिक कार्य के लिए इस्तेमाल करने से पहले शंख को हमेशा धोना और सुखाना चाहिए।